हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन नीट 2021। नीट 2021 पर COVID-19 का क्या असर पड़ने वाला है, क्या डिफरेंट अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी प्रेपरेशन के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि नीट का जो एग्ज़ाम है, साथ ही जेई का एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम, उनका सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो आपको प्रेपरेशन करते हुए एक गुड न्यूज़ मिल गई है कि 30% ऑफ योर एग्ज़ाम सिलेबस विल गेट रिड्यूस दिस टाइम। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 30% सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, कम्प्लीटली कोई चैप्टर स्किप नहीं होगा। तो इस भरोसे भी नहीं रहना है कि एक चैप्टर कम्प्लीटली स्किप करते हुए प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। अब क्या चीज़, क्या टॉपिक रिड्यूस होंगे, उस चीज़ के बारे में भी जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सभी से वो चीज़ पे डिस्कस करूँगी। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को क्या डिफरेंट अप्रोच रखनी है इस टाइम पे प्रिपेयर करते हुए। आप लोगों को पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो खुले हुए नहीं हैं, काफ़ी बच्चे इसी भरोसे रहते थे कि जैसे ही कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी तब जाकर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन इस साल इस भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। हर कोई सिर्फ गेस कर सकता है कि अगस्त में कोचिंग खुलेगी, सितंबर में कोचिंग्स ओपन होगी, लेकिन वो भी होगी या नहीं होगी कुछ नहीं पता। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ स्टडी के थ्रू ही अभी आपको प्रेपरेशन करनी है एटलीस्ट 2020 खत्म होने तक। क्योंकि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल भी गए तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में भेजने वाले हैं। कल ही मैं अपनी एक रिलेटिव से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि अगर अगस्त में स्कूल्स खुलते भी हैं तो भी वो अगले एक महीने तक, स्कूल खुलने के एक महीने तक अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगी, जब तक उन्हें पता नहीं चलता है कि स्कूल में सच में प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस फॉलो करे जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग वाले रूल्स फॉलो करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, साथ ही स्टूडेंट्स भी डरे हुए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसा माहौल होगा आप लोगों को भी नहीं पता है। तो अभी के लिए एटलीस्ट दिसंबर 2020 तक कोचिंग्स पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी अभी आपका बेस्ट ऑप्शन है। सेल्फ स्टडी के थ्रू जितना हो सकता है सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। माना कि डिफिकल्ट टॉपिक्स खुद से नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास खूब सारी एप्लीकेशंस हैं, खूब सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाती हैं, यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स हैं। तो इन चीज़ों की हेल्प लेते हुए अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। सेल्फ स्टडी से जितना हो सके ईजी टॉपिक्स को कवर करना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है, ताकि वापस से जब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब खुल जाएं तो आपने जो अभी तक सेल्फ स्टडी के टाइम पर पढ़ा था, ऐसा ना हो कि आपने बिजी स्केड्यूल के वजह से इस रिलैक्स वाले फेज में सब कुछ पढ़ा हुआ भूलते चले जाएं। फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहिए ताकि जब अचानक से खूब सारी पढ़ाई का लोड आपके ऊपर आए तो पुराना पढ़ा हुआ भूला ना जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हुए पढ़ाई करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट और सेल्फ स्टडी करने में बस यही डिफरेंस रहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेली के टारगेट रखते हुए पढ़ाया जाता है कि आज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट दिए जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको घर पे भी प्रेपरेशन करनी है। इस दौरान आपको खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट बनना है, खुद का मेंटर बनना है, खुद को समझाना है कि मुझे डेली का टारगेट रखना है और उस टारगेट को कंप्लीट करना ही करना है। डॉक्टर कौन बनना चाहता है, आप बनना चाहते हैं, तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल किसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आप प्लीज़ किसी आउटर मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए अपनी प्रेपरेशन पे। खुद को जितना मोटिवेट कर सकते हैं इस प्रेपरेशन के दौरान करिए, क्योंकि इस दौरान आप कंप्लीटली किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब ऑनलाइन वीडियो अपलोड होगी तभी मेरी प्रेपरेशन होगी। आप खुद के मेंटर हैं। 2020 खत्म होने तक, एटलीस्ट तब तक तो आप ही खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। अपने डेली के टारगेट रखिए, डेली का टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड वे में प्रेपरेशन करिए। अगर आपको वो स्टेथोस्कोप चाहिए, वो वाइट कोट चाहिए, तो अभी से तैयारी शुरू करिए। इस भरोसे मत रहिएगा कि 2021 आने में बहुत टाइम है और कोविड की वजह से तो क्या पता नीट 2021 भी पोस्टपोन होता रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका नीट 2021 मई में ही होगा, मई के महीने में ही होगा। तो इस भरोसे मत रहिएगा कि ये भी डिले होता चला जाएगा जैसे कि इस साल का नीट पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है ये फिजूल की बातें सोचना तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। तो आपका टारगेट है कि मई के महीने में, मे मंथ में ही आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, उस पर्टिकुलर मंथ को ही टारगेट रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है।
खुद का टाइम टेबल बनाइए, डेली के टारगेट रखते हुए पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी के थ्रू इजी टॉपिक्स को कवर करिए, फ्रीक्वेंटली रिविजन करते रहिए, वीकली या फिर मंथली अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए, टेस्ट लेते रहिए खुद के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सच में आपको आता है या नहीं आता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड सिचुएशन हो या फिर लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा यू आर द क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू आर द ओनली सोल्यूशन। कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपसे प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, आपसे प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे डील कर रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। आप ये मत सोचिए कि कोई इंसान बहुत खुश होकर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा है या फिर नीट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, इसका मतलब उसको लाइफ की हर खुशी मिल गई है। हर किसी की ज़िंदगी में छोटी बड़ी बहुत बड़ी ही सही, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हैं। अभी नीट 2021 की प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी बच्चे अभी से ब्लेम गेम खेल रहे होंगे कि कोचिंग्स तो खुली नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है कि कोचिंग तो खुली नहीं रही है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी के थ्रू तो मुझसे पढ़ाई नहीं जाता है, घर में इतना शोर शराबा होता है मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ये ब्लेम गेम खेलेंगे तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। You are responsible for all the excuses in your life and you only have the solution for them. आपके पास ये solution है कि अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत शोर शराबा होता है तो ऐसा time choose करिए जब आपको लगता है कि घर में शांति है। Early morning पढ़िए या फिर late night पढ़िए। Coaching institute के भरोसे completely रहने वाले बच्चे भी, अगर सच बताऊँ तो वो भी कभी ना कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ब्लेम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मुँह से भी कई बार निकल जाता है कि यार ये कोचिंग में ना पढ़ाई अच्छी होती ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही पढ़ लेता। तो इस अब जो घर पे पढ़ने वाला टाइम आ गया है तो देखते हैं आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। एटलीस्ट वो टॉपिक्स तो कवर कर लीजिए जो कि आप बिना कोचिंग के भी कवर कर सकते हैं। ब्लेम गेम मत खेलेगा। और दूसरी चीज ये कि आप कोई विक्टिम नहीं है कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नीट 2021 पता नहीं कैसा होगा, बिना कोचिंग क्लासेस के मैं कैसा पढ़ूंगा। कितने लकी हैं नीट 2020 वाले जो उनका नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, हमारे टाइम पे पोस्टपोन नहीं हुआ तो फिर बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के कैसे तैयारी होगी। आपको भी टाइम मिलेगा, आपके लिए भी सिलेबस रिड्यूस करने वाला ऑप्शन आ रहा है। खुद को हमेशा ब्लेस्ड फील करते हुए प्रिपरेशन करिएगा। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो इसको कंसीडर करिए, स्ट्रैटेजी वीडियो कंसीडर करिए, जो आपका मन करे। बस मेरा मोटो हमेशा ये रहता है कि इस वीडियो की अगर एक लाइन ने भी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको मोटिवेट किया तो मुझे लगेगा इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा मोटो सक्सेसफुल रहा। तो इस वीडियो के लिए प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, I am ready for the white coat and stethoscope. I am ready for the white coat and stethoscope. All the very best. आपके नीट 2021 की तैयारी बहुत अच्छे से हो और 2021 में आपके डॉक्टर बनने का सपना जरूर साकार हो। All the very best for your preparations. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.